अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी ठीक हूँ। अब तो जी मैं बना रही हूँ कुल्फे का साग। तो चूल्हे पे मैंने दूध रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। शाम का टाइम है तो बहुत गर्मी है इधर, इसलिए जो है मैंने चूल्हा बाहर रखा हुआ है। पहले तो इरादा नहीं था, दिल करा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ ये कुल्फे का साग कैसे बनता है। इसको पहले मैं काट लूँगी, तो काटने के बाद जो है फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरे पौधे बहुत ही प्यारे हो गए हैं पौधे। और कुल्फे का साग जो है वो मैंने काट के अच्छी तरह से इसे धो लिया है। तो इसमें मैंने ऐड किया है आधा कप पानी। तो अब इसको मैं चूल्हे पर रखने लगी हूँ। ये सबज मिर्ची है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये प्याज है, और ये टमाटर बारीक से मैंने काटे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सालन। मैं दिखा देती हूँ आपको, कोई चीज़ भी ऐड नहीं की, ये बिल्कुल गल जाएंगी सारी चीज़ें। फिर मैं इसमें गरम मसाले वगैरह और घी ऐड करूँगी। डालने लगी है आप घी को, नमक जो है वो बिल्कुल ही कम जाता है, पहले से नमकीन होती है। मिर्ची है, ये जो हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्ची जो है वो पिसी हुई, और इसके साथ जी क्या चीज़ है कि गरम मसाला पाउडर, ग्रीन वाटर, अदरक और लहसुन का पाउडर,